मजदूरी करके माँ पाल लेती है, लेकिन चार चार लड़कों पर मिलकर के एक माँ नहीं पाली जाती। धन्य सीता जैसी बहू को जो कौशल्या को कभी जवाब नहीं दिया। तो आज की बहुएं तुम देखो, एक लड़का बहु हते परीक्षित जी घर में, तो डोकरी सीधी रहे बेचारी, लड़के को सीधो रहे, तो डोकरी ने कही लगो तुम ब्याह कर ले हो, तो बहु आ जाए तो दो चार साल के हम तो मेहमान है, आराम हो जाए काम में। आए ब्याह हुई और लहू आगू पर चंचलाई गई, पूरे दिन परी रहे डोकरी, रोटी करे सोला खायो फिर पेट में धर रहा है। डोकरी कर लेगी लहू जब बहुत समस्या गड़बड़ आएगी, काहे हमने जासो ब्याह करो तो आराम मिले और जो तो बहुत काम खराब है। तो लड़का कह लगो मैया तुम्हें कछु करो, हम कछु ना कहीं, हम ना कछु कहीं, तुम्हें कछु करो। तो अम्मा कह लगी देख लला, सवेरे उठ के हम झाड़ू लगा लगी और तुम आई हो और तुम हम पे झाड़ू छिनाई हो, और जो कही हो अम्मा हम अपने जीत तुम्हें झाड़ू ना लगा दी, और लगो हम तुमसे कहीं हम अपने जीत तुम्हें झाड़ू ना लगा दी। तो लला जागी आंख ना शर्म हो तो कम से कम झाड़ू ही लगाने लगे हैं सवेर हो भाऊ, तो फिर तो सलाह आती पहले से ही, सो डोकरी झाड़ू लगाने लगी। लड़का आओ अम्मा हम अपने जिए तुम्हें झाड़ू ना लगाने दे। डोकरी बोली लगो हम तो अपने जिए झाड़ू ना लगाने दे। लड़का कहा लोग अम्मा आइए ना, जोड़ के बोल जोड़ के सुनना है भाई फोन में लगी हुई, सुनना है भाई जोड़ के बोल। अम्मा बोली लला हम अपने जिए तो झाड़ू ना लगाने दे। लड़का बोलो अम्मा हम अपने जिए तो झाड़ू ना लगाने दे। बहू निकल के आई, क्या कर रहे क्यों लड़ रहे। डोकरी बोली हम अपने जीत लले झाड़ू ना लगाने, झाड़ू हम लगाई। लड़का कान लगो हम झाड़ू लगाए अम्मा हम तो ना लगाने। तो बहू कान लगी जावे लड़वे की कौन सी बात है, जाओ बाजार में चले जाओ दूसरों झाड़ू ले आओ, संग संग लगा दो दोनों लोग, लड़वे की कौन सी बात है। काफी बदलाव हो गया पहले में और हम में। ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी परीक्षित महाराज, जो भगवान को पा लेते, ये उस माँ की पूजा थी। माता निर्माता भवत, ए माता बहनो माता निर्माता भवत, माँ बच्चे की निर्माण करता होती है, माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है और माँ ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। मैया चाहे तो लला को सिंहासन पे बैठा दे परीक्षित महाराज, और अम्मा चाहे तो लला को जूतों खावे लायक ना रखे, क्योंकि संस्कार बच्चे को माँ देती है, माँ जो कहती है बच्चा वही करता है, क्योंकि बच्चा एक कच्चे घड़े के समान होता है। कुमार जब घड़ा बनाता है तो कच्चा घड़ा अगर टेढ़ा बन गया तो उसे ठोंक लगा करके वो सीधा कर देगा, अगर उसने वो टेढ़ा घड़ा अग्नि में पका दिया तो वो टेढ़ा पक गया तो फिर वो टेढ़ा ही रहेगा, अगर ठोंक लगा करके सीधा करने की कोशिश की तो फिर वो सीधा नहीं होगा, टूट जाएगा। तो वैसे ही बच्चा होता है, जो संस्कार माँ बचपन से अपने बच्चे को देती है लड़का बड़ा हो करके वही करता है। अगर लला कहो के खेत में तो चार आलू चुराए लाओ, तो अम्मा ने की चारों आलू ले आई उधर की सब्जी बनाई ली, तो परीक्षित महाराज एक दिन वो बहुत बड़ो डके तो बनिए कोई रोक नहीं पाए भाई, और अगर अम्मा ने बेई चारे आलू छीन को थप्पड़ धर दे तो दोबारा चोरी ना करे जगह मम्मी मारे चोरी करे थे, याद रह लो, क्योंकि संस्कार माँ देती है, माँ जैसा चाहे अपने बच्चे को बना सकती है। पिता हर समय अपने बच्चे के साथ नहीं रहता, लेकिन माँ हर समय अपने बच्चे के साथ रहती है। हमारे गांव में परीक्षित जी दो महिलाएं हैं, दोनों सगी बहने हैं, एक बड़ी एक छोटी, तो बड़ी वाली बिना पढ़ी लिखी छोटी वाली होशियार है, दोनों से एक एक लहुआ है छोटो सोई, तो हम गली से निकले तो अभी छोटी वाली अपने लला से बोली लला भैया जाए रे नमस्ते करो इनसे, तो वो छोटे से बच्चा ने हमते नमस्ते करी, तो उन्हें बच्चा तो होशियार है भाई, बाकी मम्मी पढ़ी लिखी है तो बच्चों को होशियार है, ने कहा गए बड़े तो देव धनवंती पसरी बैठी आंगना, जो उनने हमें देखो कही ओ लहुओ भैया आई हो भैया निक जाए मट्टी मार और का मट्टी मार दे बम्बा गांगे रे जाए, अबे काती मट्टी मार दे, नेक बड़ो हुई हो तो ईंट मारे और बड़ो हुई हो लाठी मारे, और जानना जो जवान भाव तो तीन से पंदा को दांस दिया छाती को रोक नहीं पाए भाई, हां फिर कोई बार रोकने वालों ना, संस्कार माँ देती है। हम परीक्षित जी गंगा पार जात रहे भागवत कवि को, एक साल परिये चक्कर
हम यही बने रहा घर के मैनपुरी एटा उठा भाई हां तो हम गंगा पार जात ना है के हुन रात बहुत दिन में तो होत ना है तो एक साल चक्कर में परिए तो भागवत में गए तो बीच गांव में पांडाल लगी रहे तो गाड़ी हो रहे पहुंची ना तो पहली उतरे परे तो पैदल पैदल जाए तो छोटे छोटे से बच्चा खेले पांडाल में पांडाल से बाहर की जगह हाथी वही खेले तो धूल मट्टी मारे एक दूसरे के ऊपर और जैसे ही हम गए तो भी सबरे शांत हो गई अनि चलो कोई बात नहीं बोले बच्चा है बालक बंदर एक स्वभाव अनि होए चलो तुम्हें देखे कम से कम ठाड़े तो हो गए खेल तो बंद कर दो ठाड़े हुई है तो हमने बोले जिनते नमस्ते ही कर लिया हमने बच्चा लोग नमस्ते बोले ही नहीं हमने लला नमस्ते बोले ही नहीं अरे हमने जो तो बोलते ही नहीं हमने बच्चा लोग नमस्ते अबे हमारे मौका देख के बोले तेले ले ले तेले ले ले अरे हमने कीजिए तो बहुत संस्कार ही हनी ये ना इधर सबरे बाज गए एक उठाड़ो रहेगा उनमें तो मंच पे हम गए कथा कही हमने तो माता बहने बेटी ने पंडाल हमने मैया हमने जी 18-20 बच्चा खेल रहे थे सब तुम में से ही थे सबके हमने इन्हें बुद्धि सिखा हमने अबे जी हमसे दिल लिल कर रहे हम तो चादराबाद अंत चले जाइए कथा कह के हमें कोई फर्क ना है लेकिन तुम जब बूढ़ी हुई हो और तुमने इनसे पानी मांगो बुढ़ापे पे तो अगर तुमसे इन्हें तिल लेकर तो फिर कहाँ जाइयो तुम्हें तो इन्हीं के संग रह रहे तो हमने ताशो इनकी अवैध तिल ले ले बंद कराए दे बड़े तुम्हारी बुढ़ापे पे बड़ी फदियते पच जाइए तो संस्कार माँ देती है आपको परिचित महाराज बच्चों से ही पता चल जाएगा किसके माता पिता पढ़े लिखे हैं संस्कारी हैं बच्चों से ही ये भगवान के दरबार में श्रीमान मनमोहन यादव जी जो परिवार के नाते हमारे चाचा जी हैं हमारे गांव से तो सौ मुद्राएं भगवान के दरबार में हमें भेंट कर रहे हैं कामना करता हूँ भगवान धन के भंडार भरते रहे याद रहे माँ चाहे अपने बच्चे को वैसा बना सकती है एक पढ़ी लिखी बहन रहे घर में रहे शादी तो सब माहौल पढ़े लिखे लोग इकट्ठे भाई तो वह बहन को बच्चा आए कि अपनी भाई मम्मी से बोलो मम्मी हम कहीं पैसा वो कहने सबके सामने खत पैसा वो कहने बेइज्जती कराई दी हमारी कहीं तो हम कहा कहें कहीं अब की लगे तो कहिए मम्मी वो गाना गए तो हम समझ जाओ करे लगू आओ तो छोटो सो बच्चा जो अम्मा ने कह दी सुबह ने रटी लई अब जवाई वो हाँ तो एक दिन मामा आएगा तो मामन को तो भांजे ज्यादा ही लड़े पे होते हैं तो मामा ने संग पर आई लो अब मामे का मालूम जागी मम्मी ने कहा सौर सिखाओ आधी रात भाई बच्चा बोलो मामा हाँ ना गाना गए सो जा आधी रात में गाना गए सो जा अब भाई का मालूम पर रहो नेक देर बाद फिर उठ के बैठी हो मामा गाना गाऊंगा सो जा आधी रात भजन हो गई है सो जा सवेरे गई है ढोलक बजे घर में पर फिर पर रहो फिर उठ के बैठ गया मामा गाना गए सो जा आधी रात तो कीर्तन हो गया घर वाले जग जाइए सो जा अब छोटो सो बच्चा कोलो सदोरा फिर उठ के बैठियो हम कहीं है कहीं है कहीं है मामा कल को मारियो नहीं सकत बहाने जो है बोले ना हम कहीं है कहीं है तो मामा कल को लला आधी रात है अब तू गाना गए सब लोग चके जाए नाराज हो जाए तो ऐसो कर हम करोट लाए लिए तुम्हारे कान में धीरे से गाय ले जो हमें सुन पाए केवल तो संस्कार माँ देती है बंधु मैं तो सच कहेंगे मैया समान बोले को कोई गुरु
आता तब तब उसको मिलती माता, माता से यह सबका नाता। जिस लड़के के घर में उसके माता पिता दुखी हैं, चाहे वो लड़का कितने भी तीर्थ स्थान कर ले, कितने भी दान पुण्य कर ले, उसका उसे कोई लाभ नहीं होता। माता पिता अगर दुखी है तो, अगर माता पिता घर में खुश हैं तो उसे दान पुण्य करने की, तीर्थ स्थान पर जाने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर के पुत्र के लिए दुनिया में कोई पूजा ही नहीं है। स्त्री के लिए सबसे बड़ी पूजा पति की पूजा, और पुत्र के लिए सबसे बड़ी पूजा है तो माता पिता की पूजा। ध्रुव बोले पहले जाए कहां? मौसी के पास, क्योंकि मौसी धक्का नहीं मारती तो हम भजन के लिए नहीं जाते। और ये हकीकत भी है, उन्नति का सबसे बड़ा रास्ता क्या?